बिहार के औरंगाबाद में उस वक्त अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रहे निखिल कुमार और आईपीएस अधिकारी स्वीटी सहरावत के बीच बहस हो गई। दोनों की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम सबको इन्फॉर्मेशन मिलवाए थे कि हम कार्यालय में आप लोगों से सभी सोचते क्यों नहीं हम मिलेंगे आवास में हम नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलती है नो दैट रॉन्ग दैट रॉन्ग वी हैव बीन इन द आईपीएस वी मेट पीपल एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट। दरअसल चोरियों की शिकायत को लेकर निखिल कुमार अच्छे खासे खफा थे और लगातार वो स्वीटी सहरावत को फोन कर रहे थे और इसी के बाद पूर्व कमिश्नर और पूर्व डीजीपी रह चुके निखिल कुमार का पारा हाई हो गया और वो सीधे एएसपी के बंगले पर पहुंच गए जहां पर दोनों में तीखी बहस हुई। दरअसल केरल के पूर्व राज्यपाल और औरंगाबाद एएसपी के बीच की तूतू मैं का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्व राज्यपाल एएसपी को कानून व्यवस्था को लेकर पाठ पढ़ाना चाहते थे लेकिन स्वीटी सहरावत ने जैसे जवाब दिए उसके बाद तो वो लाजवाब हो गए। दरअसल आरोप ये है कि उन्होंने अपने आवास से कई फोन किए थे लेकिन एएसपी ने फोन नहीं उठाया था। आवास के बाहर नागरिकों के साथ पूर्व राज्यपाल काफी देर तक खड़े रहे और ड्यूटी पर रहे आरक्षी को पूर्व राज्यपाल के आगमन की कोई सूचना नहीं थी जिसके बाद उन्होंने उसे गेट पर रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ बौखलाए पूर्व डीजीपी ने सीधे एएसपी से बात की और दोनों में बहस शुरू हो गई। कहा जाता है कि पूर्व राज्यपाल के निजी सचिव योगेंद्र प्रसाद सिंह और कांग्रेस नेता चुलबुल सिंह दौड़ते हुए उनके पास आए और मिलने का आग्रह किया तो एसपी ने जवाब दिया कि बोल दीजिए कार्यालय में आ जाएंगे। वो मिलने को तैयार नहीं थी। बहुत आग्रह के बाद एएसपी ने वाहन से उतरकर पूर्व राज्यपाल से बात की। उनके साथ बैंक प्रबंधक प्रवीण कुमार, रिटायर्ड कृषि अधिकारी अशोक सिंह और पूर्व दारोगा राम कुमार सिंह थे जिनके घरों में बीते काफ़ी दिनों से लगातार चोरियां हुई थीं और उनके जेवरात और लाखों रुपए गायब थे। पूर्व राज्यपाल इसी को लेकर नाराज थे और वो एएसपी से मिलना चाहते थे लेकिन फ़ोन पर बात न हुई तो वो सीधे उनके घर पहुंच गए। इस दौरान दोनों की बातचीत से एक बात सामने आई कि इलाके में हो रही चोरियों का खुलासा नहीं हो रहा था। वहीं पूर्व राज्यपाल ने जब कानून व्यवस्था ठीक करने को कहा तो एएसपी ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा हर एक पीड़ित से मिलती हैं और कई बार केसों का खुलासा होने में टाइम लगता है और उन्होंने ये भी कहा कि आप पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और आप समझते हैं कि कानून व्यवस्था कैसे चलती है और कब होती है। आपको बता दें कि स्वीटी सहरावत के पिता भी पुलिस में थे लेकिन वो कांस्टेबल थे लेकिन उनका सपना था कि उनकी बेटी आईपीएस बने। पिता का सपना पूरा करने के लिए स्वीटी ने अपनी फैशन डिजाइनिंग और डिजाइनिंग इंजीनियरिंग की पद की नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू की। उसके बाद उन्होंने पिता दिलराम सहरावत जो कि दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल थे और साल 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन उसके बाद बेटी ने खूब मेहनत की और वो आईपीएस बनकर आज बिहार के कैडर में काम कर रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।